नमस्कार, आज हम बातचीत करेंगे जो धर्मा के हवाले से एक नेगेटिव प्रोपेगेंडा है वर्ल्ड वाइड, और ख़ास तौर पर जब से मोदी सरकार दूसरी बार पावर में आई तब से ये प्रोपेगेंडा भी बहुत बढ़ गया। इसके साथ साथ धर्मा अपने स्पिरिचुअल लेवल पे कैसे हम सभी इंसानों के साथ जुड़ा हुआ है, चाहे हमारा एपरेंट फेथ धर्म कुछ भी हो, मगर धर्मा हमारी बेस है, हम सब की बेस है, अगर हम सब इस रियलिटी को जानें। इस पे बातचीत करेंगे। मेरे साथ आज मेरी बहुत ही खुशकिस्मती है, खुशनसीबी है, भाग हैं हमारे बहुत ही बढ़िया योगाचार्य डॉक्टर दयाशंकर विद्यालंकर जी, जो आजकल न्यूयॉर्क में हैं। भारत में इन्होंने जो धर्मा की खिदमत की वो पूरा भारत जानता है, मगर अब वो उसको एक्सपेंड करते हुए न्यूयॉर्क तक आ गए, वहाँ से वही बात कर रहे हैं जो बात शायद मैं अभी अपने इंट्रोडक्टरी नोट्स में कर रहा था, जो बात आप सुनना चाहते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर साहब, आप तशरीफ़ लाए। मैं पहले तो ये जानना चाहूँगा, और हमारे वो व्यूअर्स भी जानना चाहेंगे जो आपको जानते तो हैं, मगर वो फिर भी जानना चाहेंगे कि आपका जो स्पिरिचुअल जर्नी है, जो आपकी लाइफ जर्नी है, वो कम शब्दों में क्या है? बचपन में हमें गोरखपुर से महंत अवैधनाथ जी महाराज जी थे, उनसे संपर्क हुए थे, और उन्होंने हमको वेद विद्या पढ़ने के लिए प्रेरित किया था, और उन्होंने मुझे हरिद्वार में भेजा था पढ़ने के लिए। हरिद्वार में मैं कुष्ठ रोगियों की सेवा करने लगा 3 साल तक उनके साथ में रह करके, और ये कार्य करते हुए फिर हमारी बाबा रामदेव जी से पहचान हुई। और भारत में जहाँ हम कुष्ठ रोगियों की सेवा करते थे, वहाँ पर एक सीए थे अनिल वर्मा, वो आया करते थे कि हम कैसे कुष्ठ रोगियों की सेवा करते हैं, तो वो हमको बोले कि आप पढ़ाई करो, तो उन्होंने मेरा गुरुकुल कांगड़ी यूनिवर्सिटी में एडमिशन करवा दिया, और वहाँ पर हम वेद पढ़ना शुरू किए। और वेद के बारे में पहले कभी सुना करते थे कि वेद कुछ होता है, लेकिन जानते नहीं थे। तो वहाँ जब वेद पढ़ने का सौभाग्य मिला तो मुझे बहुत प्रसन्नता हुई। उसके बाद में बहुत सारे विद्वानों से मिलना, उनके साथ रहना, ऐसा शुरू हुआ। मेरे पास में धन संपत्ति नहीं थी, तो मैं किसी भी विद्या को सीखने के लिए किसी भी आचार्य के पास जाऊं, इसके लिए मेरे पास परमात्मा ने एक ही क्वालिटी दे रखी थी कि मैं सेवा कर सकता था। तो कभी गुरुओं के सेवा करने के लिए कभी उनको खाना भी बनाना पड़ा, कभी उनके कपड़े भी साफ करने पड़े, कभी गुरुओं के पास में रह करके उनके आश्रम की सफाई भी करनी पड़ी। जो भी करना पड़ा, बड़ी श्रद्धा से गुरुओं के चरणों में रह करके उनकी सेवा करते हुए उनसे विद्या को प्राप्त किया। और भारतीय संस्कृति की और वैदिक संस्कृति की यही धरोहर है कि किसी से विद्या प्राप्त करने के लिए सबसे पहले विनम्र होने के लिए उसके पास उसकी सेवा करना, और उससे विनम्रतापूर्वक सेवा के द्वारा शिक्षा को प्राप्त करना, ये सौभाग्य मुझे मिला। आपने बहुत अच्छे ढंग से हमें अपने जो स्पिरिचुअल जर्नी के बारे बताया। बातचीत को आगे डॉक्टर साहब लेकर चलेंगे। अब आप न्यूयॉर्क में हैं, दुनिया की जो एपरेंट सबसे बड़ी सुपर पावर है उसके फिनेंशियल हब में रह रहे हैं और कल्चरल हब में रह रहे हैं, तो आपको कैसा लग रहा है कि न्यूयॉर्क में या अमेरिका में धर्मा की जो परसेप्शन है या धर्मा के बारे में जो जानकारी है वो वेस्टर्नर्स को, जो मगरबी लोग हैं, कैसी है? संसार में हर मनुष्य दुख से छूटना चाहता है, सुख को प्राप्त करना चाहता है, लेकिन दुख क्या है उसके बारे में ठीक ढंग से लोग प्रस्तुतिकरण नहीं करते हैं, और अनेक प्रकार के अपने अपने ढंग से प्रस्तुतिकरण करके लोगों को बात करते हैं। तो ऐसे में जब मैं न्यूयॉर्क में आया और वेद विद्या के बारे में बातचीत शुरू की, तो लोगों को लगा कि जैसे अमेरिका में एक सबका अभ्यास है कि कोई भी बात करते हैं तो हर बात के पीछे पूछते क्यों। तो जब तक उनको क्यों का उत्तर उनके ढंग से संतोषजनक नहीं मिलता है, तब तक उनके साथ दिक्कत रहती है।
तो जब से मैं आया हूँ ऐसा कोई व्यक्ति नहीं मिला जो मुझसे मेरे विषय में किसी भी प्रकार से बात किया हो और उसके किसी भी क्यों का उत्तर उसको पूरी तरह से संतोषजनक न दे पाया हूँ, ऐसा नहीं हुआ है। तो मेरे इस उत्तर देने के कारण से लोगों को धर्म क्या है, धर्म को अगर एक भाषा थोड़े शब्दों में कहें तो महर्षि मनु ने कहा है, धृति क्षमा दमो अस्त्यम शौच मिंद्रिय निग्रह धीर विद्या सत्यम अक्रोधो दशकम धर्म लक्षणम। तो जीवन में कभी भी अनुकूल परिस्थिति हो, विपरीत परिस्थिति हो, महर्षि मनु ने कहा कि जीवन में सबसे पहले तो धैर्य रखना सीखो। जिसके जीवन में धैर्य ही नहीं है वो क्या समझेगा। फिर धर्म का मतलब जिससे प्राणी मात्र को सुख पहुँचे, और अगर हमारे किसी भी व्यवहार से किसी को दुख पहुँचता है तो वो धर्म नहीं हो सकता, वो अधर्म होगा। तो हमारी वेद की संस्कृति में हम सबको सुखी पहुँचाने की कल्पना करते हैं, भावना रखते हैं, और प्रकृति में परमात्मा ने जो जो पदार्थ दिए हैं कोई भी पदार्थ निरर्थक नहीं है, इसलिए हर प्राणी का या हर पदार्थ के प्रति हमको उसके ठीक ढंग से प्रयोग करने की यदि विद्या आती है तो वह धर्म है, और अगर उसके प्रयोग में हम कोई भूल करते हैं तो वह अधर्म है। तो धर्म का परिभाषा हमने यही समझा है कि कभी भी अविद्या से दूर हो जाना और विद्या को प्राप्त कर लेना, ये संसार का सबसे बड़ा सुख है। आपने कहा कि ये जो अवेयरनेस है यही असल में संसार का सबसे बड़ा सुख है। जी, जब हम अवेयरनेस की बात करते हैं तो हम ये देखते हैं कि ख़ास तौर पर जब से मोदी सरकार दूसरी बनी तो मोदी जी खुद भी और उनकी सरकार भी एक जो हमारा धर्मा की सिविलाइजेशन है उसकी अवेयरनेस की, उसकी रिवाइवलिज्म की बात करते हैं, लेकिन दूसरी तरफ कुछ ऐसी ताकतें हैं जो इसको समझ नहीं पा रही, या अगर कुछ समझते भी हैं तो वो बहुत खिलाफ प्रोपेगेंडा कर रहे हैं। तो जब आप यहाँ पे रहते हुए वो प्रोपेगेंडा खुद देख रहे हैं तो आपको क्या महसूस होता है कि इसका कारण क्या है, क्यों वो ऐसा कर रहे हैं? इसका कारण है अविद्या। संसार में जब भी व्यक्ति कोई भूल करता है उसके अंतरात्मा में एक आवाज़ आती है कि ये करना ठीक नहीं है, और हम उस अंतरात्मा की उपेक्षा करके हम भूल को कर जाते हैं। तो परमात्मा हाथ पकड़ करके किसी का नहीं रोकता है। ऐसे ही जैसे एक वर्ष तक अध्यापक से विद्यार्थी पूरा पढ़ता है साल भर, और एक वर्ष में जब वो परीक्षा देता है तो परीक्षा देते समय वो अच्छा लिखे गलत लिखे अध्यापक हाथ पकड़ करके नहीं रोकता है, क्योंकि एक साल तक उसने पढ़ा दिया है। ऐसे ही परमात्मा ने हमें संसार में आने से पहले हमको वेद रूपी विद्या दे दिया है, वो हर मनुष्य के लिए है, चाहे वो कोई मनुष्य किसी भी संप्रदाय का हो, लेकिन हर मनुष्य को वेद की विद्या को जानने का पूर्ण अधिकार है। कुछ लोग संप्रदाय विशेष के कारण से किसी विद्या से दूरी बनाए रखने के लिए कुत्सित प्रयास करते हैं, वो अनुचित है, ऐसा नहीं करना चाहिए। जिससे संसार का सुख हो, कई बार कोई पदार्थ है जिससे सुख मिलता है लेकिन हमें स्वार्थ के कारण से वो हमें दुख दिखाई देता है। जैसे एक उदाहरण देता हूँ कि मान लीजिए कि कोई चोरी करता है और चोरी होकर के जब जज के सामने प्रस्तुत होता है तो जज यदि उसका जानने वाला हो और फेवर लेकर के उसको कहता है कि चलो हम तुमको चोरी करने की दंड नहीं देते हैं, माफ़ करते हैं, तो ये जज का उसको माफ़ करना नहीं हो गया, उस चोर के साथ में जज के द्वारा एक घोर अन्याय हो गया। किस प्रकार से कि यदि चोर को वो दंड दे देता तो आगे भविष्य में वो दोबारा चोरी करने से बच जाता। दूसरा, उस चोर के चोरी करने से समाज में जो लोगों के अंदर डर व्याप्त है कि चोर आकर के कभी भी चोरी कर सकता है, अगर उसको दंड मिल जाता है तो समाज में वो डर जो फैल रहा है वो डर फैलने से रुक जाता, तो समाज में निर्भयता प्राप्त होती, तो समाज को सुख बढ़ता। तो ये जज ने उस चोर के साथ में भी, समाज के साथ में और खुद के साथ में भी अन्याय किया। तो ऐसे में मान लीजिए अगर उसको दंड देता और दंड देते समय यदि चोर को दुख होता है कि हमको दंड मिल रहा है और फिर कहते जी हमने चोर के साथ अन्याय कर दिया, तो ये परमात्मा की व्यवस्था नहीं है। चोर अगर गलती किया है उसको दंड मिलना चाहिए, लेकिन जज के साथ दूसरी व्यवस्था है कि अगर जज बैठा है दंड दे रहा है
और दंड उतना ही दे रहा जितना उसने चोरी किया, लेकिन दंड देते समय यदि उसके मन में ये अभिमान आ गया कि देखो मैं इस इतने बड़े कुर्सी पर बैठा हूँ कि इस व्यक्ति को मैं सजा दे रहा हूँ, और अपनी कलम में लिखते समय जब उसके अंदर अभिमान आ गया, इसका मतलब वो उचित दंड देने के बावजूद भी वो परमात्मा की अदालत में और समाज की अदालत में वो दोषी हो गया, क्योंकि उसके अंतरात्मा पवित्र नहीं थे। उसको दंड देते समय उसके अंतरात्मा में उसके सुधार की भावना नहीं थी, उसके अंदर द्वेष और अहंकार की भावना थी। तो जो न्यायकारी होता है, ऐसे जज को बहुत गहरे आत्मनिरीक्षण की ज़रूरत होती है, जिससे कि उसकी आत्मा किसी भी हालत में मरने न पाए। जब उसकी आत्मा जीवित रहेगी तो समाज में बहुत बड़ा उपकार होगा। इसलिए परमात्मा न्यायकारी है, और हमें विभिन्न प्रकार के जो संप्रदाय का पालन करने वाले लोग हैं वो विद्वान नहीं हैं, वो अविद्या से युक्त होने के कारण से समाज में ऐसी वैमनस्यता पैदा करते हैं जिससे संसार को काफ़ी दुख होता है, और इसी के कारण से दुनिया दुखी है। और इसी दुख को दूर करने के लिए नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने योग मंत्रालय बनाया है, और पूरे दुनिया में योगस चित्त वृत्ति के भावना को ठीक रखने के लिए, यानी मन में अलग अलग प्रकार की जो अविद्या रूपी दोष व्याप्त होते हैं उसको ठीक रखने के लिए मोदी सरकार ने योगा डे मनाया, और पूरे दुनिया में भारत सरकार के द्वारा एक एक हर एम्बेसियों में योग के आचार्य को नियुक्त करके संसार में एक आदर्श उदाहरण प्रस्तुत किया। इसलिए अच्छा काम करना अच्छा है, इसलिए उनको परमात्मा सुखी करे और उनको खूब उन्नति दे। और देश भारत का काम ही है कि भारत संसार का विश्वगुरु इसलिए रहा है क्योंकि वो सबको सर्वे भवंतु सुखिना के भाव देखे हैं। बिलाशुबा आपने बात बड़ी अच्छी की कि ये जो अवेयरनेस की और प्रोपेगेंडा की जंग है, असल तो ये सारा खेल है। उसमें अगर तो आप अवेयरनेस के रास्ता पर हैं तो आप स्पिरिचुअल हारमोनी पैदा कर रहे हैं जी। अगर आप प्रोपेगेंडा के रास्ता पर हैं तो वो कोई पॉजिटिव एस्पेक्ट तो नहीं है। नहीं, बिल्कुल नहीं। अब डॉक्टर साहब, इस सारी इस सिचुएशन में जो ख़ास तौर पर हम आपके स्पिरिचुअल जर्नी की तरफ जाएं, तो मैं थोड़ा सा उसको थोड़ा और टच करना चाहता हूं। तो आपका तल्लक बहुत बड़े बड़े नामों से रहा, बाबा रामदेव का आपने जिक्र किया, योगी आदित्यनाथ हैं इतने बड़े, तो वो जो कुर्बत थी, वो जो काम आपको उनके साथ करीब करने का मौका मिला, वो ज़रूर हमारे दर्शकों को बताएं। स्वामी रामदेव जी बड़े परोपकारी स्वभाव का उनका जीवन हमने देखा है, और मैंने उनके आश्रम में रहते हुए देखा है कि वो 3 बजे के बाद कभी बिस्तर पर नहीं होते थे, और हम लोग होते थे तो हमारे यहाँ नियम होता था कि 4 बजे के आसपास सभी लोग तैयार होकर के आश्रम के लोग हम गंगा के तट पर दौड़ने जाया करते थे। तो स्वामी जी महाराज भी जाते थे, बालकृष्ण जी भी जाते थे, और नियम था कि सवेरे 4 बजे से लेकर के 8 बजे तक, यानी भ्रमण करना, मेडिटेशन करना, योगाभ्यास करना और हवन करना, ये आश्रम का नियम होता था। उस समय तक सारे आश्रम के लोग मिल करके साथ काम करते थे। जब 8 बजे के आसपास तक हवन पूरा हो जाता था, उसके बाद में जिसकी जो व्यक्तिगत दिनचर्या होती थी, कोई पढ़ाई करता है, कोई कहीं और काम करता है, उसके हिसाब से काम कर सकता था। स्वामी जी से हमने ये शिक्षा देखा लिया कि कभी भी जैसे सूरज अपने कर्तव्य से कभी 1 सेकेंड भी इधर उधर नहीं होते, ऐसे स्वामी रामदेव जी को देखा कि वो अपने सिद्धांत के प्रति, संकल्प के प्रति एक एक पल उन्होंने जीवन जिया है, ऐसा मैं उनको रोज़ देखता था। तो जब इतना कोई अपने सिद्धांत के और लक्ष्य के प्रति तटस्थ होता है तो वो जीवन में सफलता प्राप्त करता है, और वो बहुत अच्छा काम करते हैं। बहुत सारे गांवों के लिए देश में, सारे संसार में एक सद्भावना, प्रेम, भाईचारे का भाव बढ़े, इसके लिए वो सबके लिए मंगल कामना करते हैं। आदित्यनाथ जी महाराज जी को भी देखा है, सन्यासी हैं। सन्यासी का धर्म ही होता है कि वो अपने जीवन को अपने लिए नहीं, सारे संसार के लिए, एक प्राणी मात्र के लिए जीता है। तो उन्होंने भी जीवन में ऐसा जीवन जिया है, और इन लोगों के चरणों में, इनके साथ में रहने का जीवन में जो अवसर मिला है, उन्हीं के कारण से कुछ हम भी जीवन में सीखें, और उनके उच्च सद्भावनाओं को, जिससे सबका सुख बढ़े, हमने जो सीखा है हम उसको आगे बढ़ाने का संकल्प रखते हैं, और जरूर जीवन में आप सबके देश के अच्छे, दुनिया के अच्छे अच्छे लोगों की सहायता से वेद का जो संदेश है, अविद्या का नाश और विद्या की वृद्धि करना, दुख का विनाश और सुख को बढ़ाना,
और सर्वे भवंतु सुखिनः की भावना को जीवन में उतारना, ये हम काम करते रहेंगे। थोड़ी सी बात मैं डॉक्टर साहब आपसे जानना चाहूँगा कश्मीर के कॉन्टेक्स्ट में, आपका कश्मीर के साथ बड़ा संबंध रहा, आपने बहुत सारी चीज़ों को वहाँ पे करीब से देखा, कुछ वो जो आपके रहे उस समय के एक्सपीरियंसेस और आज भी वो जो एक्सपीरियंसेस हैं वो आपकी आज की ज़ात के साथ कैसे जुड़े हुए हैं? कश्मीर में हम अनेक बार गए हैं और वहाँ पर जो अनुभव किया है कि जो लोकल लोग हैं, ज़्यादातर लोग बड़े अच्छे और निर्मल स्वभाव के, जो किसी भी कम्युनिटी के हों, चाहे वो हिंदू हों चाहे मुसलमान हों। कुछ स्वार्थी लोग हैं जो अपने स्वार्थ के कारण से मानवीयता के साथ में क्रूरतापूर्वक व्यवहार करते हैं, जो उनको नहीं करना चाहिए, और कुछ लोगों के कारण से ही देश में एक विघटनकारी परिस्थितियां पैदा हुई हैं। ऐसा नहीं होना चाहिए था, लेकिन उसके पीछे और भी विधर्मी शक्तियों का योगदान रहा है। तो मोदी जी की सरकार ने उस शक्ति को ठीक करने का प्रयास किया है, और उनके साथ में चाहे हिंदू कम्युनिटी के लोग रहे हों, चाहे मुस्लिम, चाहे कोई भी लोग रहे हों, हर देशभक्त मिल करके उनका बहुत अच्छे से सहयोग किया है। और सबकी भावना थी कि कश्मीर भारत का अभिन्न अंग है, उस अभिन्न अंग को उन्होंने और मजबूती प्रदान किया है। और मेरे समझ से जितना मैंने कश्मीर में अनुभव किया है, वहाँ के जो रहने वाले निवासी लोग हैं बुरे नहीं हैं, वो तो बहुत बढ़िया लोग हैं। वही आपकी बात है कि वो थोड़े से ऐसे लोग हैं जो अपने बुरे इंटरेस्ट के लिए ये सब कुछ टेररिज्म और वो किया। तो आगे ये जो कश्मीर का फ्यूचर आपको कैसे नज़र आ रहा है? मुझे कश्मीर का भविष्य बहुत अच्छा लगता है, और लोग मिल करके काम करना शुरू कर दिए हैं। वहाँ यात्रा की संभावनाएं बढ़ेंगी, वहाँ पर धार्मिक सामंजस्य बढ़ेगा, भाईचारा बढ़ रहा है, और जो इधर उधर के लोग जो कश्मीर में जा कर के रह करके अपने कार्य को मिल करके बढ़ाना चाहते हैं, उनके लिए भी एक सुअवसर आया है। और जो विदेशी शक्तियाँ थी जो कश्मीर को तोड़ करके तकलीफ़ पहुँचाना चाह रही थी, उनके आने जाने में अब बहुत कठिनाई हो गई है, इसलिए वो कमज़ोर पड़ेंगे। राष्ट्रीय भावना और सद्भावना मजबूती प्राप्त कर चुका है, और ये बहुत अच्छा संकेत है। डॉक्टर दयाशंकर जी, हमने बहुत सारी बातें की, आज की जो आपकी और मेरी बातचीत है उसमें आप कोई और चीज़ ऐड करना चाहें, कोई और चीज़ शामिल करना चाहें जो आप समझते हैं कि बड़ी इम्पॉर्टेंट है और जो हमने मिस की है? आपका बहुत अच्छा संदेश है, ये आपका जो चैनल है इसके माध्यम से आप रहने वाले पाकिस्तान मूल से होने के बावजूद भी आपने मानवीयता के आधार को समझने का जो प्रयास किया है, और कुरान के बारे में जैसा आपने बात किया है, और जो वैदिक सिद्धांतों के बारे में भी आपने थोड़ी देर पहले बात किया है, तो आप दोनों पक्ष को समझते हैं, और इस पक्ष को समझ करके अच्छा और बुरा क्या है, जितने ढंग से आप समाज को शिक्षा दे सकते हैं इस मीडिया के माध्यम से, क्योंकि मीडिया भी समाज में एक बहुत अच्छी यदि भूमिका निभाता है तो समाज रचनात्मक दिशा में आगे बढ़ता है, और अगर मीडिया में कोई भूल हो जाती है किसी भी कारण से तो समाज को बड़ी हानि हो जाती है। तो आप उस सत्य पक्ष को रखेंगे तो समाज में जो अविद्या व्याप्त है, जो राग और द्वेष और लड़ाई और झगड़े का वातावरण बना हुआ है, उस वातावरण को ठीक करके हम एक बहुत पवित्र, निर्मल और भाईचारे के रिश्ते को बढ़ा सकते हैं, और ये बहुत अच्छा कार्य है। इसके लिए हम आपको और आपके पूरे टीम को साधुवाद देते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर दयाशंकर जी। नमस्ते। हम बहुत ही धन्यवादी हैं आपके कि आप स्टूडियो में आए, ख़ासतौर पर टोरंटो आप विज़िट कर रहे थे, उसमें से आपने समय निकाला और आपने हमें एक तरह से ना सिर्फ विज़िट किया बल्कि ब्लेसिंग भी है आपका आना। बहुत बहुत धन्यवाद एक बार फिर। नमस्ते व्यूअर्स, आपने बातचीत सुनी डॉक्टर दयाशंकर जी की, उनके मन की जो सच्चाई है वो उनकी जो बॉडी लैंग्वेज है, उनकी जो बातचीत है उसमें साफ हमें दिखती है। हम उनके बहुत ही धन्यवादी हैं कि वो आए और बातचीत की। हम इनको न्यूयॉर्क से भी लेते रहेंगे और कोशिश किया करेंगे कि स्काइप से जो स्पिरिचुअल टीचिंग देते हैं कभी कभी हम भी उसको
ब्रॉडकास्ट किया करें उनकी परमिशन से। तो इस तरह हम डॉक्टर दयाशंकर जी का जो धर्मा के बारे में है और इस दुनिया के पीस और हारमोनी के लिए जो मैसेज है वो हम आप तक पहुंचाते रहें। आज का बिला तकल्लफ बातचीत डॉक्टर दयाशंकर जी के साथ देखने और सुनने का बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत धन्यवाद।